भी आ गई। कौन मंजू बिटिया, तुम यहाँ कैसे? रवि आ रहा है कि मुंबई से बड़े दिनों की छुट्टियों में? हाँ मास्टर साहब, रवि भैया आ रहे हैं। लेने कोई नहीं आया। मैं जो आई हूँ जिम्मी भैया, आप लोगों को लेने के लिए। ठीक है, मगर हमारे पास टिकट भी नहीं है। चुप रहो, टिकट नहीं का बच्चा है ही है, एक से लेके हमारे पास सबका टिकट है। हाँ जी, पटेल स्टेशन वाले थे। नीचे रहो मेरे बेटे। अरे जिम्मी भाई, मेरा थर्मस। अरे मुझे कोई उतारो ना। बिस्तर है क्या? मेरा बिस्तर। अरे सदर वेक अप नाउ। ड्राइवर, तुम सबके सामान टांगे में ले आओ, मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ। रुक जा, ओ जाने वाले, रुक जा, रुक जा, ओ ठहरो ठहरो, मेरा सामान डालो, मेरा सामान डालो प्लीज। अरे देखो रे, ओहो इधर हाउस फुल आ रहे हैं, ये एंग्लो इंडियन अंदर घुसा चला जा रहा है। ओ वकील साहब का बच्चा एंग्लो इंडियन होगा? तू तू मेरे यार, मैं तो 100% इंडियन हूँ, मेड इन इंडिया। वो मील का रास्ता हमसे पैदल जाना नहीं होता, हम तो इधर जम के बैठेगा। अरे तो कोई गधा ढूंढ ले, गधे पे आ जा। रवि रवि रवि, देख तेरे गाड़ी की सारी सीट खराब कर दी यार। अबे ओ, 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 तुम काय को फिक्र करता है, इसके बाप के पास बहुत पैसा है, एक मिनट में एक गाड़ी खरीदता है। अबे ज्यादा बकबक मत कर, अभी गाड़ी से फेंक दूंगा। यार, मैं तो तुम्हारे पिताजी की तारीफ कर रहा था, यू इज अ वेरी गुड कॉन्ट्रैक्टर। चलो ड्राइवर, बड़ा झगड़ा। तुम बड़ा खराब आदमी है, हमको टेलीग्राम काहे को नहीं दिया, नहीं तो हम तुमको रिसीव करने स्टेशन पर जाता। क्या करता जूली, टेलीग्राम देने के लिए मेरी हाफ पैंट में पैसे नहीं थे। व्हाट, पैसा नहीं था तब तो तुम हमारा चीज भी नहीं लाया होगा। कौन बोलता है हम तुम्हारा चीज नहीं लाया, तुम्हारी चीज के लाने में हमारे सारे पैसे खर्च हो गए। What? Yes, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाया। ब्रेसलेट, तुम्हारी कलाई के लिए, लेटेस्ट फैशन। How beautiful! कितने का है? 200 रुपए, 200। बंडल? बंडल नहीं, ये प्योर गोल्ड है, असली सोना। How sweet you are! Only for you, my darling, my love, my pigeon, my bombshell. मम्मी, कम या? मम्मी, शाम को मिलेंगे। Come soon. Oh, oh, my mummy, my sweet mummy. Hello, mummy. कभी आ मुंबई से? अभी आ रहा हूँ मम्मी, सीधा स्टेशन से आ रहा हूँ। Hi, Pop. Ah, welcome, son. Welcome. माँ दादा ऐसे थे, माँ दादा ऐसे थे, ऐसे थे। अरे अभी 2 मिनट होता ना यार, चलो मंजू। दादा। कैसा है नंदू? खोका। अरे आ गया बेटा तू। जुग जुग जो मेरे लाल, अरे कितना दुबला हो गया है तू। कहाँ दुबला हो गया हूँ माँ? बहुत पढ़ना पड़ता होगा माँ। रवि भी तो पढ़ता है, देख कितना अच्छा हो रहा है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कोई पढ़ाई है माँ, यहाँ डॉक्टरी है, लोहे के चने चबाता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। अरे दिन रात तुम्हारे आंखों के सामने मैं हूँ, इसी से दुबला नजर आता है। अरे इतनी सारी चीजें लेके आया हूँ समझा, और हमारे लिए क्या लाया? तेरे लिए भी लाया हूँ, तेरे लिए भी लाया हूँ, घबरा मत। हाय बिपिन। हाय मोहिनी। हाय। अरे वहाँ क्या कर रही हो, नीचे आओ ना, यहाँ आओ। दरवाजे से नहीं आ सकती, मेरी जाली टूट गई तो? और अगर मेरी टांग टूट गई तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तेरे पास 2-2 टांगे हैं और तेरे लिए सिर्फ
एक काफी है। अब चलो बिपिन के नहाने धोने के इंतजाम करो। अतुल कहाँ गया? अरे वो बाजार गया मेरी सिगरेट लाने। अच्छा। चलो चलो। हेलो बिपिन। हेलो मोहिनी। बाय बाय। बस सीधा इसी दम स्टेशन से आ रहा हूँ। अभी? हाँ सबको घर छोड़ता हुआ आया हूँ ना। ओह हाय शो। माफ कीजिएगा आपकी ये दुम, मेरा मतलब है आपके बालों के गुच्छे मेरी नाक गुदगुदा रहा था जिससे मुझे छींक आ गई। आप है? जी मुझे रवि कुमार मेहरा कहते हैं। मैं आपके दोस्त बिपिन का दोस्त हूँ। मैं भी इनकी तरह बंबई में पढ़ता हूँ, ये मेडिकल में है और मैं इंजीनियरिंग में। मैं भी इनकी तरह आज ही बंबई से क्रिसमस की छुट्टी मनाने के लिए घर आ रहा हूँ। मेरा ख्याल है पहली मुलाकात के लिए इतना परिचय काफी है, है ना क्यों बिपिन? और आप हैं आपके क्लासमेट पंजू के भाई। और आप है मोहिनी सक्सेना। आपके पिता श्री किशनलाल सक्सेना कॉलेज में हिस्ट्री के प्रोफेसर होकर कुछ ही महीने में हमारे शहर में आए हैं। अच्छा अच्छा। और इसी मकान में रहते हैं। अच्छा तो तुम्हारी मुलाकात शायद पिछली छुट्टियों में हुई होगी। हाँ पिछली छुट्टियों में जब तुम घर नहीं आए थे। ए रवि। हाँ? अरे हाँ मैं गर्मियों की छुट्टी में अपने क्लास के साथ टूर पर गया था कश्मीर, तभी मुलाकात नहीं हुई आपसे। अरे मंजू तू कॉलेज नहीं आया आज? भैया को लेने में स्टेशन गई थी। चलो भैया सबसे लेट हम यहाँ पहुँचेंगे। चल अच्छा बाय बाय। तुम मेरी चीज लाए बिपिन? तुम मंगाओ और मैं न लाऊं। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूं। देखो ऐसी बढ़िया चीज लाया हूं कि इसको बालों में भी लगा सकती हो। हाँ और थोड़ा बड़ा कर दो तो हाथ का कंगन भी बन जाता है। आहा कितना अच्छा है। सच? थैंक यू बिपिन। इट्स ऑल राइट। चलो ना भैया बैठो ना गाड़ी। हाँ हाँ चल। हाँ माँ। आओ बेटे मंजू बराबर वक्त पर पहुंच गई थी स्टेशन। जी पिताजी। मेरा पहुंचना और गाड़ी का आना क्या टाइमिंग हुआ है पिताजी। लीजिए संभालिए अपने बेटे को, मैं सामान रख पाती हूँ। जल्दी जा। हाँ माँ। जी ओ बेटा कितने दिनों बाद घर आ रहा है, तू कुछ दुबला हो गया है रवि। क्यों हंस क्यों रहा है? अपने तमाम साथियों को घर छोड़ता हुआ आ रहा हूँ माँ। और जानती हो हर माँ को अपना बेटा दुबला ही नजर आया। इस साल इम्तिहान देने के बाद तुम पूरे इंजीनियर बन जाओगे। हैं? जी पिताजी। बस जल्दी आ जाओ, इस प्रकाश मल्होत्रा को पार्टनरशिप से अलग करके तुम्हें अपना पार्टनर बनाऊंगा। मेहरा एंड मल्होत्रा की जगह हमारी फर्म का नाम होगा मेहरा एंड मेहरा। इतनी जल्दी ना कीजिए पिताजी, मैं बंबई से डिग्री लेने के बाद अमेरिका जाना चाहता हूँ। सिर्फ 3 साल का कोर्स है, वहां से मैं इंजीनियरिंग की बड़ी डिग्री लेकर आऊंगा। और आपको तो मालूम है मेरा पासपोर्ट भी बन चुका है। रवि तेरी पढ़ाई कभी खत्म भी होगी, अब तो अमेरिका जाएगा। हाँ माँ। खैर कोई बात नहीं, अमेरिका से भी डिग्री ले आओ बेटा। और बिपिन देख तो के डाक्टर के। माँ मोहिनी। मोहिनी दीदी ये ले। और मेरा लट्टी टूट जाएगा तो? और इस दिन तूने जो मेरा लट्टी तोड़ दिया था। अरे वहां क्या खड़े हो, आओ ना बिपिन लट्टू खेले। आइए ना दादा लट्टू खेलेंगे। मोहिनी तुम लड़की हो कि लट्टू खेलती हो? क्यों साहब इसमें क्या बुराई है, लड़कियां हवाई जहाज चला सकती हैं, साइकिल चला सकती हैं, हॉकी और क्रिकेट खेल सकती हैं, तो फिर लट्टू क्यों नहीं चला सकती? बात तो ठीक कहती हो। मैंने कहा लट्टू अच्छे चलाती हो, क्या स्टाइल है। हेलो जूनी। जूनी What's wrong? क्या मैं? तुम बड़े खराब है, हम तुमसे नहीं बोलता, हमारा तुम्हारा दोस्ती कट। नो डार्लिंग, तुम हमसे दोस्ती कट करेगा हम मर जाएगा। हेलो सनी बॉय। हेलो मम्मी। हेलो जीबी डियर। ओह माय गॉड ब्रेकफास्ट करेगा? नहीं मम्मी हम घर से नाश्ता करके आए। क्या घर से करके आया मैं? तुम नहीं एक प्यार से हाथ लगाता तुम गिर पड़ता है। ओ, जूली तुम हमसे दोस्ती कट करेगा तो मर जाएगा।
तुम कल बोला था शाम को आएगा, फिर काय को नहीं आया? मैं बताऊं हम काय को नहीं आया? बताओ। कल शाम को हमने फ्रूट सॉल्ट लिया था। तुम झूठ बोलता है। मैं सच बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ। गेट डाउन। ओह माय गॉड। मम्मी। यस यस। तुम बहुत कमजोर हो गया है। इधर हो गया अपन, क्या दवाई क्या करेंगे, हमको बोलने को मांगता है। तुम अंडा खाया करो। अंडा? हाँ। बहुत मोटा होता है उससे। मम्मी तुम केला खाया करो। नो मैन, उससे और भी फैट बढ़ता है। ओके मम्मी, तुम अंडा और केला दोनों को मिला के खाया करो। हे माय गॉड, गुड स्कीम। योर मम्मी इज ए न्यूसेंस जूली, तुम्हारा मम्मी कबाब में हड्डी है। व्हाट? तुम हमारा मम्मी को हड्डी बोला? और क्या कबाब बोलेगा। अच्छा ये बताओ, कल तुम हमको पीछे काहे को नहीं लेके गया? खैर छोड़ इन बातों को जूली, कल तुम शाम को क्या करता? हम? हाँ। फ्रेंड्स लोग के साथ पिकनिक पे जाता है। पिकनिक? तुम चलो ना डार्लिंग। डार्लिंग? तुमने मुझे डार्लिंग कहा? फिर हम भी चलेगा पिकनिक पर, अपने दोस्तों को भी लाएगा पिकनिक पर। ओके? चूल्हा बुला जला, कब बनेगा खाना? अरे क्या चूल्हा जलाऊं, अपना सर लकड़ियां तो है नहीं। जाओ डाल जाके जरा लकड़ियां तो ले आ। ओके। अरे भाई चिल्ला क्यों रही हो, ये रही लकड़ियां, ये लायो। और बोलो क्या चाहिए? पानी वानी तो है नहीं, पानी वानी का भी बंदोबस्त कर जाके। ओफो, वो जूली गई है पानी लाने। चल मंजू चल। आहा, आज हाथ में बड़ा खूबसूरत ब्रेसलेट पहन रखा है जूली तुमने, चमचम। जरा देखो तो। देख कहाँ से लिया? बॉम्बे से लाया है मेरे लिए। कौन? हाय हमारा एक बॉयफ्रेंड जिम्मी। फॉलो मी। ये ले, ये चेन्नई जोखरी भी आ गई, अब और मजा आएगा। जिम्मी। हाय मोहिनी। हाय विपिन। बापरे कहाँ चली हुई हो, क्या कर रही हो वहाँ? झूला बांध रही हूँ, बस बन गया। देख कुसुम मैंने कैसा झूला बांधा। बहुत अच्छा बांधा। और तू कहती थी चुड़ैल मुझे झूला बांधना नहीं आता, पेड़ पे चढ़ना नहीं आता। यार ये फूलझड़ी है बड़े गजब की। अरे यो, अरे रवि रवि, देख देख बेचारी पसी ना हो गई रे। अरे विपिन पारे अगते हैं, जरा हिम्मत कर यार, जाकर पसीना पोंछते बेचारे का। अबे ओ, तू भी किसी डरपोक से कह रहा है? अपने शेर से कहा होता तो पसीना पोंछ भी देता। क्या फिगर है यार, व्हाट ए ब्यूटी, वाह वाह वाह। तो ऐसी बात पर पट्टे उसके मुंह का पसीना पोंछ दे और गर्मा गर्म उसके हाथ से चाटा भी खा ले। अबे और दलजीत शर्त लगाता है, अगर रवि ने उसका पसीना पोंछ दिया बोल क्या देगा? छोड़ यार, ये क्या पहुंचेगा? शर्त लगाता है, ये क्या बदतमीजी है, बोल क्या देगा? दस रुपए बोलो निकाल। हमारे भी दो रुपए, हमारे भी दो रुपए लीजिए, दो रुपए लो हमारे भी। हां जरूर मेरा भी लो जी दो रुपए। बिपिन रख, ये रख ले मेरे भी दस रुपए, अभी पहुंच के आता हूं। ओके दस रुपए रखिए। बस आ गया, क्या रवि को बनाया बेटा, ताव ताव में चले तो गए, वो दो लत्ती खाएगा कि वो लाल हो जाएगा। यार जिमी तुझे आइडिया बड़ा अच्छा सूझा, दस रुपए तो चित हुए समझो। करेक्ट। हेलो मिस सक्सेना। हेलो। अच्छा तो आप लोग झूला डाल रहे हैं? हाँ। झूला डालना आता है? देखिए ना कैसा झूला डाला है, फर्स्ट क्लास। क्या हो गया? कुछ है यहाँ, इधर भी कुछ लगा है, देखो जरा। अरे मिट गया? हाँ बिल्कुल साफ हो गया। ओह थैंक यू। गुड लॉर्ड मोसेस। अरे बिल्कुल, रवि ने तो कमाल कर दिया, उसने तो वाकई पसीना पोंछ दिया। मगर हमारे तो रुपए गए। रवि भैया क्या है वहाँ, क्या खड़े हो, इधर आओ ना, खाना बनाने में हमारा हाथ बटा ना। अरे भाई तुम लोग काफी हो, खाना बन जाए तो मुझे खबर कर देना, खाने में जरूर हाथ बटा देंगे। हो जाए।
नजर में दिल मेरा ईमान से गया, आंखों में रंग आ गया इस शान से गया, तेरी अदा की बात भी इतनी सी बात है, जो कोई तुझको जान गया जान से गया, जान से गया। ऐ जाने मन, ऐ जाने मन, ले गया दिल को वो तेरा भोलापन। ऐ जाने मन, ऐ जाने मन, ले गया दिल को वो तेरा भोलापन। ऐ जाने मन, इशारा जैसे जमीन पर निकला सितारा, तुझ पे हसीना दिल में निहारा, शर्मा के तूने हाय मुझे मारा, ऐ जाने मन, ऐ जाने मन, ले गया दिल को वो तेरा भोलापन। ऐ जाने मन, ऐ जाने मन, ले गया दिल को वो तेरा भोलापन। ऐ जाने मन, शराबी खिलता कमल है चेहरा गुलाबी, जुल्फे ये काली जैसे घटा हो, मेरे जमन की बाद सवा हो, ऐ जाने मन, ऐ जाने मन, ले गया दिल को वो तेरा भोलापन। ऐ जाने मन, ऐ जाने मन, ले गया दिल को वो तेरा भोलापन। ऐ जाने मन, टकराए दिल के नगीने फिर तुम्हें आए ठंडे पसीने, तुम मुस्कुराई मैं मुस्कुराया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, ऐ जाने मन, ऐ जाने मन, ले गया दिल को वो तेरा भोलापन। ऐ जाने मन, ऐ जाने मन, ले गया दिल को वो तेरा भोलापन। ऐ जाने मन, come on.
काश ऐसे भीड़ ना होती, सिर्फ तुम होती और मैं। फिर कब मिलोगी? जब आप कहें। कल? हाँ। कहाँ? जहाँ आप कहें। वो मोती महल में मिलोगी? मोती महल में? हाँ, उजाड़ पड़ा है, कोई नहीं रहता वहाँ। अच्छा, तो शाम को ठीक 5 बजे? हाँ। पक्का? हाँ। लौटने में देर कैसे हो गई? जरा बाजार से होता हुआ आ रहा हूँ। अरे, फल तो थे घर में, आप ये और क्यों ले आए? पपीते और मौसम्बी लेकर आया हूँ। डॉक्टर ने तुम्हें पपीता खाने के लिए कहा है ना? दिल के मरीजों के लिए पपीता बहुत अच्छा होता है। बेटी मोहनी, माँ के लिए जल्दी से एक पपीता काट के लिया। अभी? पिताजी, मुझे देर हो रही है। अच्छा अच्छा, तू रहने दे, मैं काट लूंगी। हाँ माँ। जा। इतना बन संवर के कहाँ जा रही है? वो मेरी सहेली है ना पिताजी, छाया, आज उसका जन्मदिन है। अच्छा जा। लक्ष्मी, लक्ष्मी। जी साहब। जल्दी जल्दी ले एक पपीता, जल्दी से काट के मालकिन के लिए ले आ। सोचा था यहाँ अकेले में बैठकर तुम्हारे साथ दो बात करूंगा। कैसी बातें? यूं ही कुछ अपनी बातें, कुछ तुम्हारी बातें। तो फिर कीजिए बात। बैठो। लीजिए, बैठ गए, अब कीजिए बातें। अरे, तुमने तो मुझे नर्वस कर दिया। अच्छा मोहिनी, तुम इस तरह शाम को यहाँ मोती महल में अकेली किसी के बुलाने पर आ सकती हो? आप इस तरह शाम को मोती महल में अकेली किसी लड़की को आने के लिए कह सकते हैं? तुम किसी तो नहीं? आप किसी हैं क्या? तुम सच कहती हो मोहिनी, हम दोनों एक दूसरे के लिए किसी नहीं। वो स्कूटर किसका है? वो? हाँ? वो हमारे ओवरसियर हजारा सिंह का। यहाँ आने में देर हो रही थी, सो मांग के लाया हूँ। अच्छा मोहिनी, तुम्हें स्कूटर चलाना आता है? सीखोगी? आप सिखाएंगे? आओ। और मैं गिर पड़ी तो? मेरे होते तुम नहीं गिर सकती मोहिनी। आओ। कांतिलाल जी। यस। मेरे प्रिंट्स तैयार है? जी तैयार है, वो उठा लीजिए पैकेट। ओ थैंक यू, थैंक यू। रवि मेरा। रवि? रवि ने भी तस्वीरें दी हैं बनने के लिए। बता 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 बता। हुई देखिए। अरे ये तुम मोहिनी सक्सेना? अरे ये रवि तो छुपा रुस्तम निकला यार। आये यो, हम तो चोरी छुपे मुलाकातें हो रही है। मैं सोच रहा था मोहिनी का रोमांस हो रहा है उसके पड़ोसी बिपिन के साथ। मालूम होता है कि ये मोहिनी पे वो बिपिन और वो रवि दोनों लट्टू है। अरे बाबू, जानते हो जगह कौन सी है? कौन सी? मोती महल। मोती महल।
पंछी रे ओ पंछी उड़ जा रे ओ पंछी मत छेड़ तू ये तराने हो जाए ना दो दिल दीवाने पंछी रे ओ पंछी उड़ जा रे ओ पंछी भा गए पंछी रे ओ पंछी उड़ जा रे ओ पंछी मत छेड़ तू ये तराने हो जाए ना दो दिल दीवाने पंछी रे ओ पंछी उड़ जा रे है जिंदगी मन के सुलबहार पे आसमां पे छाएंगे अब ये गीत प्यार के पंछी रे ओ पंछी उड़ जा रे ओ पंछी मत छेड़ तू ये तराने हो जाए ना दो दिल दीवाने पंछी रे ओ पंछी उड़ जा रे ओ पंछी पंछी रे ओ पंछी उड़ जा रे ओ पंछी मत छेड़ तू ये तराने हो जाए ना दो दिल दीवाने पंछी रे ओ पंछी उड़ जा रे ओ पंछी मत छेड़ तू ये तराने हो जाए ना दो दिल दीवाने पंछी रे ओ पंछी उड़ जा रे ओ पंछी पंछी रे ओ पंछी उड़ जा रे ओ पंछी कितनी देर हो गई है चलो चलें रोज ही तुम कहती हो कितनी देर हो गई चलो चलें क्यों कहती हो इसलिए कहती हूं कि रोज ही देर हो जाती है चलो चलें चलो अरे मेरी साइकिल और तुम्हारा स्कूटर हमने यही रखी थी ना हाँ फिर अब मैं घर क्या कहूंगी और मैं हजारा सिंह से क्या कहूंगा वो बेचारा कहता था भैया आप जब तक यहां है मेरे स्कूटर चलाइए मान लिया तुम्हारी साइकिल कोई उठा के ले गया हो मगर स्कूटर स्कूटर स्टार्ट करने की अवस्था आनी ही चाहिए हाँ। ये तो नहीं हो सकता कोई स्कूटर कंधों पे उठा के ले गया हो चलो उधर देख चलो
चलो उधर देखें। चलो। पहियों के निशान, ये रहे पहियों के निशान। अरे हाँ, इसका मतलब ये हुआ कोई इधर ही ले गया। हाँ आओ। अच्छा तो तुम लोग हो? यस, फरमाइए। किसी को ढूंढ रहे हैं आप लोग? हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं जी? मैं भी सोच रहा था शरारत करने वाला कोई अपना ही होगा। अजी हम कहां अब अपने रहे, हम तो अब शाम को साथ में घूमने फिरने लायक भी नहीं रहे। राइट मैम? करेक्ट। यप यप। अरे नहीं यार, पिछले दो तीन दिनों में घर पर स्टडीज करता रहा। जी हाँ, वो तो सूरज से ही नजर आ रहा है। अबे सच कहता हूँ, और यहाँ भी इसीलिए आया था। जगह अच्छी है कंबाइंड स्टडीज के लिए, राइट मैन? यप यप। ये तो अचानक मिल गई मुझे रास्ते में। अबे किसी से कहे मत देना, खाम का लोग बातें बनाना शुरू कर देंगे। जिमी सुन रहा? लुक मैन, मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये जो मेरी जबान है ना, ये मेरे काबू में नहीं रहती। इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। राइट मैम? करेक्ट। यप यप। तो मतलब है तेरी जबान का इलाज करना होगा? हाँ, यही नहीं, हम सब भी अपने मुंह में जबान रखते हैं प्यारे, और अब तो इस जबान की तृप्ति होनी ही चाहिए, बस एक पार्टी काफी होगी। राइट? करेक्ट। यप यप। पार्टी? अमा यार, और दो रोज के मेहमान है यहाँ पर, फिर हम सब बंबई चले जाएंगे। इम्तिहान के बाद डिग्रियां ले लेकर सब बिछड़ जाएंगे, कौन जाने कौन कहाँ रहता है, कौन कहाँ। हाँ यार, आइडिया तो वंडरफुल है। जाने से पहले रवि एक पार्टी हो जाए यार। देख जिमी, मैं टी पार्टी दे सकता हूँ। चाय पार्टी नहीं बेटा, डिनर पार्टी चाहिए। डिनर पार्टी? ग्रैंड फीस्ट, जिसमें तरह तरह के पकवान हो, खीर हो और लड्डू हो, फिश करी राइस हो, प्रॉन हो, पुलाव हो, कोरमा हो, और इडली हो, डोसा हो, सांभर हो जी, यह बात हुई। और भाई कहाँ ऐसी पार्टी? अरे तुम्हारे घर पे जी। मेरे घर पे? हाँ कहते रवि। हाँ कहते यार। और ये पार्टी फैंसी ड्रेस पार्टी हो। फैंसी ड्रेस? या मंजूर है। या। अच्छा भाई चलते हैं। इतनी जल्दी? अरे भाई, टू इज अ कंपनी, थ्री इज अ क्राउड, वी आर आउट। चलो 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 चलो, हम भी चलते हैं जी। अच्छा। तो तुम आ रही हो ना? कहाँ? पार्टी में, फैंसी ड्रेस पार्टी में। तुम्हारे घर? ना। क्यों? मैं नहीं आऊंगी। अरे वाह, तुम्हारे लिए तो पार्टी रखी मैंने, और तुम कहती हो मैं नहीं आऊंगी। तुम नहीं आओगी तो पार्टी का मजा किरकिरा हो जाएगा। मैं नहीं आऊंगी तो क्या हुआ, और तो बहुत सी लड़कियां होंगी, और तुम्हारी वो नैनीताल वाली तो होगी ही। जेलसी द नेम इज वुमन। तुम नहीं आओगी तो पार्टी मैं कैंसिल कर दूंगा, समझी? चलो। तिला, पुष्पा, देखो कौन आया है अपने घर। चलो चलो अंदर चलो। अच्छा, आज ही अचानक रास्ता कैसे भूल गए? पुष्पा बात यह है कि। अच्छा रवि आए क्या? नमस्ते भाभी जी। तुम इन्हें बुलाते बुलाते थक गए और आते आते मैं आज इन्हें पकड़ कर ले आया हूँ। चलो चाय पिला दो जल्दी से इन्हें। बैठो रवि, अभी करवाती हूँ तैयार। और क्या बनवाओ रवि, समोसे वगैरह? बस चाय काफी है भाई। नहीं, हाँ समोसे आने दो भाई। अरे नहीं भाई। पुष्पा तुम इनसे कुछ बात करो, मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूँ। शायद हम लोग तुम्हें अच्छे नहीं लगते। क्यों, ऐसा क्यों कहती हो? और नहीं तो क्या, उस दिन जनरल स्टोर्स पर जब हम लोग मिले थे तो तुम्हें चाय की दावत दी थी, तुमने कहा भी था आऊंगा, और आज तक नहीं आए। अरे वाह, आज मैं आया नहीं हूँ क्या? अपने आप तो नहीं आए, भैया पकड़ के लाए हैं तब आए हो। अरे आज तो मैं वैसे भी आने वाला था, मैंने तो सोच लिया था कि नैनीताल रिटर्न मिस पुष्पा मल्होत्रा के घर जाके आज शाम को जरूर चाय दूंगा। और सुना पुष्पा, आजकल दिन भर क्या करती रहती? तुम्हारा इंतजार। मेरा मतलब है
मेरे आने से पहले क्या करती थी? बोर हो गई। अच्छा रवि, तुम्हें कोई जल्दी तो नहीं? नहीं। चाय के बाद जरा घूमने चलेंगे और रात का खाना तुम हमारे साथ खाना। ओहो, आई एम वेरी सॉरी पुष्पा, आज शाम को मुझे और कहीं जाना है। कहाँ? वो डॉक्टर दीक्षित के यहाँ। अरे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं पुष्पा, मालूम है क्या हो गया, कल से गले में जरा दर्द है, वो एग्जामिन कराना है। ओ, आए भी हो तू इतनी सी देर के लिए? कोई बात नहीं, कल तो फिर मिल रही हो। कल? हाँ कल, कल रात को मेरे घर पे एक फैंसी ड्रेस पार्टी है, तुम्हें भी आना होगा। फैंसी ड्रेस पार्टी? अजी तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारा मस्तक है, बहुत उज्ज्वल है, बहुत अच्छा है जी। अरे भाग्य छोड़ा पंडित जी, ये बताओ मेरी शादी कब होगी? माय मैरिज। अच्छा शादी? बच्चा शादी पहले तुम्हारे बाप का होगा जी, फिर तुम्हारा होगा। कौन देश का वासी है तू? क्या है तेरा नाम? आने वाले हमें बता तू किससे तुझको काम? सात समुंदर पार से आई स्पेन की सेनियोरिता हूँ, नजरों से मैं दिल ले जाऊं ऐसी अजब हसीना हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, नजरें झुकाइए, पलके बिछाइए, पुष्पा मल्होत्रा मेरी गर्ल है ऐसा है, आएगा तू
लग रही रवि और पुष्पा की जोड़ी। ओह, लड़की तो घर ही में निकली। मैं बात करूंगी इनसे। क्या बात? कौन सी बात? जरा हम भी तो सुने। ये कह रही हैं। क्या बात है मोहिनी, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? कुछ नहीं। फिर भी? मैं पहले ही कह रही थी, मुझे पार्टी में मत बुलाओ। मेरे न आने से तुम्हें कोई फर्क तो नहीं पड़ता? Jealousy, thy name is woman। तुम क्या समझते मैं पुष्पा से प्यार करता हूँ? वो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, मुझे नहीं पा सकती। मैं हमेशा तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूंगा। चलो हंसो, हंसो। अतुल, नंदू। आओ आओ मोहिनी, अंदर आओ। बिपिन, तुम्हारे यहाँ साइकिल का पंप है? इसमें हवा नहीं है। हाँ है, अभी लाता हूँ। तुमने मकान बदल लिया क्या? नहीं तो क्यों? यानी तुम इसी मकान में रहती हो? मेरी पड़ोसन हो? क्यों, ये ताने क्यों? मुझे यहाँ इतने दिन हो गए और शायद आज तो मेरे यहाँ तीसरी बार आई हो। क्या करूं बिपिन, आजकल इतना काम रहता है कि फुर्सत ही नहीं मिलती। पहले तो मिला करती थी। पहले कब? पिछली छुट्टियों में जब मैं यहाँ आया था। बस बस, टायर बस्ट हो जाएगा। तुम बिल्कुल बदल गई हो मोहिनी। कैसे? तुम्हारा वो हंसना, खेलना, खिलखिलाना सब जाता रहा। ऐसा लगता है तुम कुछ गंभीर सी हो गई हो, तुम्हें कुछ हो गया है। अच्छा, जरा देखिए तो मेरी नब्ज डॉक्टर साहब। नब्ज देखने की जरूरत नहीं, तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम्हारा मर्ज, तुम्हारी आंखों से छलक रहा है तुम्हारा मर्ज। मर्ज का नाम? प्रेम। खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रीत, मधुपान, रहमन दाबे ना दबे जाने सकल जहान। प्रेम छुपाए नहीं छुपता। मुझे किससे प्रेम हो सकता है? जिससे मिलने के लिए तुम जा रही हो। बोलो, रवि से तुम्हें प्रेम हो गया है ना? क्या प्रेम किया जाता है विपिन? तुम्हें देर हो रही है, 5 बजने वाले हैं, जाओ। क्या सोच रही हो? मोहिनी, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कल तुम चले जाओगे बम्बे। हाँ मोहिनी, 3 महीने तक अब मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। 3 महीने? कैसे बीतेंगे ये 3 महीने? बीत जाएंगे मोहिनी, यूं ही बीत जाएंगे। इम्तिहान देते ही मैं वापस चलाऊंगा। पहले सोचा हुआ था इम्तिहान के बाद इंजीनियरिंग की बड़ी डिग्री लेने के लिए अमेरिका जाऊंगा, पर अब नहीं जा सकता। तुम्हें छोड़कर अब मैं कहीं नहीं जा सकता। मोहिनी, यही 3 महीने न जाने कैसे कटेंगे। कट जाएंगे रवि, तुम ध्यान लगाकर पढ़ना। अच्छा ये तो बताओ, बंबई से मेरे लिए क्या लाओगे? तुम्हारे लिए? हाँ। तुम्हारे लिए मैं हरे कांच की चूड़ियां लाऊंगा। हरे कांच की चूड़ियों का मतलब भी समझते हो? समझता हूँ। बतलाओ तो, क्या मतलब हुआ? बतलाऊं?
शादी में दुल्हन को हरे कांच की चूड़ियां दी जाती है, तभी तो कह रहा हूं। बंबई से लौटते ही बड़ी धूमधाम से अंग्रेजी बैंड के साथ सफेद घोड़े पर चढ़कर अपनी रानी को ब्याहने के लिए बारात लेकर आऊंगा और अपनी रानी की इन सुंदर गोरी बाहों को ऊपर तक हरे कांच की चूड़ियों से भर दूंगा। फिर अपनी रानी को मैं ब्याह करके ले जाऊंगा। देर हो गई। चलो चलें। यहां से जाने को जी नहीं करता। मेरा भी। आओ। रवि, मैंने तुम्हें इतनी चिट्ठियां लिखी पर तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। शायद पढ़ाई की वजह तुम्हें फुर्सत नहीं मिली, मगर ऐसी भी क्या पढ़ाई कि हमें याद भी नहीं करते। तुम्हारी कसम, तुम बहुत याद आते हो। लिख भेजो, तुम कैसे हो? तुम्हारी ही पुष्पा। अरे भाई, ये किसका फोटो देखा जा रहा है? सुन, जिसका फोटो होगा उसी का प्रेम पत्र भी होगा। मैं ढूंढ लेता हूँ। मिला। इसको पकड़। तुम्हारी पुष्पा। अच्छा बेटा, तो ये पुष्पा का प्रेम पत्र था जी। एक बेटा नायडू, देख तुम्हारा ये पार्टनर हॉकी में फर्स्ट, फुटबॉल में फर्स्ट, टेनिस में फर्स्ट, इश्क में फर्स्ट और पढ़ाई में भी फर्स्ट। शाबाश। और एक तू है, अबे तीन साल से एक ही क्लास में कुलाटियां खा रहा है। पागल है, खतरा है। अच्छा ये तो बताओ, बंबई से मिलने क्या लाओगे? तुम्हारे लिए? हाँ। तुम्हारे लिए मैं हरे कांच की चूड़ियां लाऊंगा। हरे कांच की चूड़ियों का मतलब भी समझते हो? समझता हूँ। बतलाओ तो, क्या मतलब हुआ? बतलाओ। शादी में दुल्हन को हरे कांच की चूड़ियां दी जाती है।
बज उठेंगी हरे, कांच की चूड़ियां ये कहेंगी हरे, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। छूटा वो बालपन खेली मैं जिसके संग, पूरे सोला सावन देखे तन और मन, देखे तन और मन, मैं मनाऊं सजन तेरी बाहों में हूँ, मेरा जीवन मरण ये कहेंगी हरे, कांच की चूड़ियां वादा लेंगी हरे, कांच की की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। तुमको मेरी कसम, ये कसम प्यार की, ये रसम प्यार की, अब निभाना सजन, अब निभाना सजन, मत भुलाना सजन, जाओ परदेस तो जल्दी आना सजन, वादा लेंगी हरे, कांच की चूड़ियां फिर कहेंगी हरे, की चूड़ियां बज उठेंगी हरे, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। बहन जी, आपने खुद बीमारी को दावत दी है। और नहीं तो क्या डॉक्टर साहब, बताइए, इतना बड़ा बक्सा इधर से उठाकर उधर रखने की क्या जरूरत है? घबराने की कोई बात नहीं बहन जी, दिल के मरीज बड़ी उम्र तक जीते हैं, बशर्ते कि वो एहतियात से काम। खैर, अब आप 3-4 रोज तक आराम कीजिए, हिलने की कोई जरूरत नहीं। और मैंने नुस्खा लिख दिया है, सेक्सेना साहब दवाई वक्त पर देते रहिएगा। जी बहुत अच्छा, इस दवा की खुराक अभी दिए देते हैं। मुनि बेटी जरा एक गिलास पानी डाल। जी डॉक्टर साहब, खाने क्या दें? खाने के लिए बस यही सूप दे दीजिए, कुछ फल वगैरह दे दीजिए। अरे मोहिनी, मोहिनी क्या हुआ? मुझे तो कुछ नहीं हुआ डॉक्टर साहब, मैं तो अच्छी हो जाऊंगी, लेकिन इस लड़के को न जाने क्या हो गया है आजकल, समझ में नहीं आता, पीनी पड़ रही है, बराबर न कुछ खाती है न पीती है, और अगर खाती है तो उल्टी कर देती है। ये पढ़ती बहुत होगी, लड़कियों को तो आजकल यही धुन है कि लड़कों से हर सब्जेक्ट में बाजी मार ली जाए। घबराइए नहीं, आराम की से भी बहुत जरूरत है। क्या हुआ मुझे? कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं। अच्छा बहन जी, नमस्ते, मैं चलता हूं।
सक्सेना साहब, मैंने लड़की को एग्जामिन किया। बहन जी के दिल को धक्का ना पहुंचे इसलिए मैंने उनके सामने कोई बात करना मुनासिब नहीं समझा, यूं ही पढ़ाई का बहाना कर दिया। दरअसल बात कुछ और है। क्या बात है डॉक्टर साहब? मोहिनी के पेट में बच्चा है। क्या क्या ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? अभी तो वो पढ़ रही है, उसकी शादी भी नहीं हुई। शायद तीसरा महीना। नहीं 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 डॉक्टर साहब, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। साहब इस बात की खबर बहन जी को नहीं होनी चाहिए, दिल का मामला है, आप शांति से काम है। अच्छा मैं चलता हूं। मोहिनी। जी पिताजी। जाए जाए। जी पिताजी। डक दिस क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं पिताजी? तेरे पेट में बच्चा है। किसका? बता किसका? अरे ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो? बता किसका है? किसका बच्चा है बोल, बता। किसी ने छेड़ की है? नहीं पिताजी। कोई लड़का जरूर है जिसे तू बेची चुकी है। कौन है वो? क्या नाम है उसका? अरे क्या नाम है उसका जिसने तेरी जिंदगी बर्बाद की? कौन है बदमाश? वो बदमाश नहीं है पिताजी, बहुत अच्छे लड़के, बहुत अच्छे लड़के। हम दोनों ने एक दूसरे को शादी करने का वचन दिया। क्या? कौन है वो? कहकर आते ही तुझे ब्याह लूंगा। यानी वो यहाँ से भाग भी गया है? वो भागे नहीं पिताजी, इम्तिहान देने का है बम्बई। कौन है वो? क्या नाम उसका? रवि, रवि मेहरा। कौन? अमरचंद मेहरा का लड़का? हाँ पिताजी। मोहिनी, अरे किस पाप की सजा दी है तूने मुझे? चल मेरे साथ। कहाँ? चल मेरे साथ। सक्सेना साहब आपसे मिलने आए। सक्सेना? कौन सक्सेना? अच्छा तो अब तुम सक्सेना को भी भूल गए? ओ किशनलाल सक्सेना। हाँ किशनलाल सक्सेना, जिसने तुम्हें एक दिन जेल जाने से बचाया था। याद है जब तुमने कंपनी का रुपया गबन किया था और वो गबन का इल्जाम मेरे सर पर थोप दिया? इन बातों से तुम्हारा मतलब? यही कि उस दिन तुमने मेरे सीने में डंक मारा था और आज तुम्हारे बेटे ने मेरे सीने में डंक मारा है। जानते हो उसने क्या किया? क्या किया है? उसने मेरी इज्जत को ठोकरों से ठुकराई, उसने मेरे मुंह पर तमाचा मारा, उसने मेरे खानदान की गर्दन चुका दी। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम क्या बक रहे। बक नहीं रहा हूं अमरचंद, बल्कि सच्चाई पर पड़ा हुआ पर्दा हटा रहा हूं। ठहरिए बहन जी, मैं जो कहने आया हूं आप ही सुन लीजिए। तुम्हारे बेटे ने मेरी भोली भाली लड़की को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उसे वो चीज दे दी जो हर कुंवारी लड़की के लिए आत्महत्या के दरवाजे खोल देती है। यानी उसने मेरी बेटी के पैरों में जंजीरें डाल दी जिससे जिससे उसके पांव भारी हो गए। क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारे बेटे का पाप मेरी बेटी को भुगतना पड़ रहा है। ओह, तो ये बात है। हाँ, यही कहने आया हूँ कि तुम्हारे बेटे ने जो मेरे सीने में घाव किया है उस घाव पर तुम्हें मरहम रखनी होगी। तुम्हारे बेटे को मेरी बेटी से शादी करनी होगी, वरना। वरना क्या? तुम मेरे बेटे को बदनाम करने आए हो? यह देखो अमरचंद, इतना भूला नहीं कि तुम्हारी लाल पीली आंखों से डर जाए। तुमने कह दिया और मैंने मान लिया, क्यों? आखिर इस बात का तुम्हारे पास सबूत ही क्या है कि तुमने जो कुछ कहा वो सच है और इसमें मेरे ही बेटे का दोष है? मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती। कहाँ है तुम्हारी बेटी? मोहिनी अंदर आओ।
क्यों बेटी, क्या ये सच है जो तुम्हारे पिताजी? ठहरो जी, पहले मुझे पूछ लेने दो, ये कोई ऐसी नादान तो नहीं जो कोई इसे फुसला सके। तुम कॉलेज में पढ़ती हो ना? जी। तुम्हारे कॉलेज में सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती हैं या लड़के भी? जी लड़के भी हैं। वो सब जवान हैं या दूध पीते बच्चे? जी। मतलब नहीं समझे। खैर, हमारे बेटे से कहां मुलाकात हुई थी तुम्हारी? पार्टी में। और? पिकनिक में। कहां हुई थी पिकनिक? अमराई के पास। पिकनिक में और भी तो लड़के रहे होंगे? जी। कितने? बहुत सारे। बहुत सारे। पहली बार रवि से कहां मुलाकात हुई थी? जी वकील साहब के घर। कौन वकील साहब? हमारे पड़ोसी। ओह, तब तो तुम विपिन और अतुल को भी जानती होंगी। जी। अच्छी तरह? जी हाँ। बहुत अच्छी तरह? जी हाँ बहुत अच्छी तरह, वो मेरे पड़ोसी है, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, उन सबको जानती हूँ। तुम उन सबको जानती हो? लड़कों के साथ कॉलेज में पढ़ती हो, लड़कों के साथ पार्टियों में नाचती हो, लड़कों के साथ अमरोहियों में पिकनिक पर जाती हो, फिर भी किसी दूसरे का नाम ना लेकर रवि का नाम सिर्फ इसलिए ले रही हो कि वो पैसे वाले का लड़का है। उसके घर में आकर तुम ऐशो आराम की जिंदगी पसंद कर सकती हो, उसे बदनाम करके उसके मालदार बाप से एक अच्छी शादी कर सकती हो। अमरचंद, जामे से बाहर ना हो किशनलाल, अपनी हैसियत देख के बात करो। चट्टान से सिर टकराने से टकराने वाले का ही सिर टूटता है, चट्टान का कुछ नहीं बिगड़ता। अगर मेरे बेटे को बदनाम करने की कोशिश की तो कुचल कर रख दूंगा। अगर ऐसा है तो एक काम और भी कर दो, जो मुझ जैसे बदनसीब बाप से कभी नहीं हो सकता, अपने हाथ उसका गला घोट दो, गला घोट उसका। लेकिन हम ये कैसे मान लें कि इसका ये जो गर्भ है हमारे बेटे रवि का ही है? क्योंकि ये मैं कह रही हूँ और मैं झूठ नहीं बोलूंगी आपसे। ये सच है कि मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, कई लड़कों को जानती हूँ, लेकिन प्यार मैंने सिर्फ एक ही लड़के से किया है, दिल एक ही को दिया है और वो है रवि। हम दोनों ने भगवान को साक्षी रखकर शादी करने की कसम खाई थी। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता तो आप अपने बेटे से पूछ लीजिए, तब तो विश्वास आएगा। वो कह गए हैं माँ जी, जैसे ही मेरे इम्तिहान खत्म होंगे मैं तुम्हारे लिए हरे कांच की चूड़ियां लेकर आऊंगा और तुम्हें ब्याह लूंगा। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। एक मामूली घर की लड़की हमारे घर की बहू बनकर नहीं आ सकती। और एक बड़े घर का लड़का एक मामूली घर की लड़की की असमत से खेल सकता है, उसे समाज की नजरों में गिरा सकता है? मैं ये कुछ नहीं जानता, और सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर तुम्हें अपनी लड़की को इस मुसीबत से बचाना है तो रुपए पैसे से मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। क्या? बोलो कितना चाहिए? 1,000, 2,000, 5,000। लो, किसी ऐसे डॉक्टर को ढूंढ लो जो रुपयों के लालच में तुम्हारे पेट का बच्चा निकाल दे। लो। मानती हूं कि मुझसे गलती हुई है, गलती हम दोनों से हुई है, लेकिन ये पाप मैं कभी नहीं करूंगी। 5,000 रुपए, एक जान की कीमत 5,000। 5,000 तो क्या, दुनिया की सारी दौलत देकर भी आप मेरे बच्चे की जान नहीं खरीद सकते। नहीं चाहिए ये रुपए, ये रुपए नहीं, ये रुपए नहीं, हड्डियों के टुकड़े हैं, रख लीजिए अपनी तिजोरी में। अरे मोहनी, ये तूने क्या किया? हे भगवान, हे भगवान, मैं क्या करूं? आप फिक्र न कीजिए पिताजी, रवि को आलने दीजिए, महीने भर की तो बात है, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। उस सांप के बच्चे पे तो पिताजी। हाँ
सोच रहा हूँ कि तुम कॉलेज जाना बंद कर दो। क्यों पिताजी? कहीं लोगों को तुम्हारी हालत का पता लग गया तो एक बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। किसी को पता नहीं चलेगा पिताजी, इम्तिहान को कुछ ही दिन और है, दे ही दो इम्तिहान तो अच्छा है। अच्छा 24 hours I'm thinking of you, my darling, my love. I can't live without you. क्या पढ़ रही हो जूली? लव लेटर। क्लास में किसका है? My boyfriend, Jimmy. You know, ये मर्द का साथ बड़ा धोखेबाज होता है, इनको तो लव लेटर से बात के रखना मानता है। स्टूडेंट्स, कुछ ही दिनों में तुम्हारे इम्तिहान शुरू होने वाले हैं। जो कुछ पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया और इंपॉर्टेंट पोर्शंस भी मार्क करा दिए। मैं चाहता हूं मेरे सब्जेक्ट ये कभी नहीं हो सकता। कोई मामूली घर की लड़की हमारे घर की बहू बनकर नहीं आ सकती। लेकिन हम ये कैसे मान लें कि तुम्हारे जो गर्भ है वो हमारे बेटे रवि का ही है? प्रोफेसर सक्सेना, मैं आपकी बेटी मोहिनी को कॉलेज से अलग कर रहा हूं। मेरी जगह आप होते तो आप भी शायद ऐसा ही करते। शायद नहीं प्रिंसिपल साहब, अवश्य ऐसा करता। मैं सोचता हूं अब मेरा कॉलेज में रहना ठीक नहीं, स्टूडेंट्स की तीखी नजरें बर्दाश्त न कर सकूंगा। आप मेरा त्याग पत्र ले लीजिए। नहीं नहीं, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। वी वांट टू लव यू, इट्स इम्पॉसिबल। नहीं प्रोफेसर सक्सेना, ये नहीं हो सकता। आपके यहां रहने से कॉलेज की शान बढ़ेगी और हम गर्व से कह सकेंगे कि ये है प्रोफेसर सक्सेना जिन्होंने कॉलेज के नाम के लिए अपनी बेटी तक इतिहास नहीं किया, कर्तव्य पर अपनत्व का बलिदान कर दिया। मैं सच कह रही हूँ, कितनी बच्चे निकली है मोहिनी, खानदान के नाम धब्बा लगा दी। तुम्हारे इतने दिन ये बात छुपी कैसे रह गई? की पता किस तरह छुप गई। सुना तुमने, वो सक्सेना की लड़की माँ बनने वाली है। देखो ना आजकल का जमाना, मोहिनी देखने में कितनी शरीफ मालूम होती थी। आज तो दिन भर कहाँ गायब रही, सुबह की गई अभी आ रही है। क्यों नहीं बोल? मैं शीला के घर गई थी माँ। तू तो कहती थी एक घंटे में आऊंगी। कौन है शीला? मेरी सहेली है। सहेली है सहेला बता। तुम चुप रहो जी, बाप के लाड़ प्यार से तो लड़कियाँ खराब होती है। देखो ना, सक्सेना ने अपनी लड़की को ढील दी तो क्या नतीजा निकला? शादी ना ब्याह, न जाने किसका पाप लिए घूम रही है। समाज के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहे वो लोग। खबरदार, जो मुझे बताए बिना तू फिर कभी घर के बाहर निकले। ये क्या कह रही है? हमारी पड़ोसन मोहिनी के बारे में कह रही है? हाँ। क्या ये सच है? तुम्हें पता नहीं बहन जी, सारा शहर जानता है। सारा शहर जानता है और मुझे कुछ भी पता नहीं। ये लो बाबा, आ गया। घोड़ा मार ले, मार। तले बचाओ किश्ती। बाबा अरे बाबा बचाओ मंत्री। बटो बाटा को। अरे माया, मंदिर से आई हर ये प्रचंड रूप। मैंने कहा सुना, मैंने क्या कहा? सुन रही हूँ, सब सुन रही हूँ। शहर में जो चर्चा है सब सुन रही हूँ। तुम बाप बेटे और घर के सब लोग मुझसे छुपा के रखोगे तो तुम ये समझते हो कि बात का मुझे कभी पता नहीं चलेगा? हाँ, मगर कौन सी बात? यही कि सक्सेना की ये कुंवारी लड़की अब माँ बनने वाली है। कौन? मोहिनी के? बराबर, तुम्हें सब पता है। क्यों अतुल, मोहिनी तेरे कॉलेज में थी ना? वो कॉलेज से निकाली गई ना? तो ये सच, और इस कुल्टा को मैं अपनी बहू बनाने के सपने देख रही थी। देखो देखो, देखने में कैसी भोली भाली दिखाई देती है,
लेकिन है कैसी कुलच्छन। अच्छा हुआ जो माँ पहले ही मर गई, नहीं तो आज बेचारी सर पटक पटक कर दम तोड़ देती। खबरदार, आज से किसी ने इस घर में पाँव रखा तो टांग तोड़ दूंगी। आज से ये फाटक बंद। मौसी, मौसी गई चूल्हे में। मौसी, अब ये फाटक कभी नहीं खुलेगा। अच्छा हुआ राधा जो तुम चली गई, सारे शहर में आग लगी हुई है, सारे लोग जो पत्थियां कस रहे हैं वो सुनने से तुम बच गए। अगर वो तुम सुनती तो तुम्हारा कलेजा फट जाता। दिन रात खून के आंसू रोती, पर अब मुझसे ये बोझ बर्दाश्त नहीं होता। राधा, आज मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत थी। राधा, जो मेरी मासी बनी हुई थी उसने भी आज रिश्ता तोड़ दिया। पिताजी, क्या आज मेरी माँ होती तो वो भी मुझे बेटी कहने से इनकार कर देती। मोनी, मोनी, सुन बेटी, मैं आज से तेरा बाप ही नहीं माँ भी हूँ। इन पड़ोसियों को रिश्ता तोड़ लेने दे, सारी दुनिया को मुंह मोड़ लेने दे। देख बेटी, देख, मैं तो हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। रवि को आ लेने दीजिए पिताजी, सब ठीक हो जाएगा। मुझे उन पर पूरा भरोसा। अंधेरे में क्या कर रहे हैं? आधी रात हो गई, सोएंगे नहीं क्या? अभी आता। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? कल रवि के इम्तिहान खत्म हो जाएंगे। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? कैसे नहीं, इम्तिहान खत्म होते ही वो फौरन यहाँ आएगा। आते ही मोहनी से मिलेगा और मिलते ही उसे ये पता लगेगा कि मोहनी के पेट में बच्चा है। और वो बच्चा रवि का है। ये तुम कैसे कह सकती हो? और रवि कह दे तो? मैं उसकी भी नहीं मानूंगा। वो भी आपकी नहीं मानेगा। इसका मतलब है बाप बेटे में ठन जाएगी, वो आपके घर से अलग हो जाएगा, लेकिन उस लड़की को कभी नहीं ठुकराएगा। आप रवि को नहीं जानते पर मैं जानती हूँ, वो उस लड़की मोहिनी से शादी करके ही रहेगा। नहीं, ये शादी कभी नहीं होगी, मैं इसे रोकूंगा। खींच और खींच। तैयार हो रवि? अरे अभी तो तुमने बिस्तर ही नहीं बांधा। तेरा बन गया क्या? अरे मैं तो रात से बांध के बैठा हूँ यार। गुड बाय हॉस्टल, गुड बाय। यार घर जाने पर ये दीवारें याद आएंगी, ये कमरे याद आएंगे, ये स्टूडेंट्स लाइफ याद आएंगे, और यहाँ के वो मच्छर याद आएंगे। रवि, तेरे पिताजी आ गए। पिताजी आप? मैं तो अभी की गाड़ी से घर के लिए रवाना हो रहा था। अब बम्बई कब आए? 3 रोज हो गए। अब 3 दिन से ही आए हैं और आपने मुझे खबर नहीं दी। बेटे, तुम्हारे इम्तिहान चल रहे थे, सो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। क्या बात है पिताजी? बेटे रवि, मुझे हार्ट अटैक हो गया था। हार्ट अटैक? हाँ बेटे, डॉक्टर ने मुझे बम्बई आकर एग्जामिन करवाने के लिए कहा था। यहाँ के डॉक्टरों की राय है कि मेरा केस काफी खराब हो चुका है। वो कहते हैं कि मैं अमेरिका जाकर अपने आप को पूरे तौर से एग्जामिन करवाऊं और अगर जरूरत हो तो हार्ट का ऑपरेशन भी वहीं कराऊं। तो आप अमेरिका जा रहे हैं? कब? आज ही, रात के प्लेन से। अकेले? तुम भी साथ चलोगे?
मैं? हाँ, तुम्हारी माँ तो साथ चल नहीं सकती, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा बेटे। अगर कहीं मुझे कुछ हो गया तो। अटेंशन प्लीज, ऑल पैसेंजर्स जॉइनिंग एट बॉम्बे एंड ट्रेवलिंग ऑन एयर इंडिया बोइंग 707 फ्लाइट AR111 टू कायरो, रोम, फ्रैंकफर्ट, लंदन एंड न्यूयॉर्क आर रिक्वेस्टेड टू चेक थ्रू इमिग्रेशन एंड कस्टम्स। थैंक यू। रवि, 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 बिपिन, ये तुम भी कमाल करते हो, बगैर मेरे ही मुझसे अमेरिका चले जा रहे हो। आज शाम को जब अचानक हॉस्टल गया तो पता चला कि तुम अमेरिका जाने के लिए यहाँ एरोड्रोम आए हुए, इसलिए मैं तुमसे यहाँ मिलने चला आया। मैं जानता था तुम आओगे, मेरा काम करना बिपिन। बोलो। मेरी ये चिट्ठी मोहिनी को दे देना। कब तक लौटोगे अमेरिका से? मैं चलो चलो रवि, देर हो रही है। लौटोगे अमेरिका से रवि? 3 साल तो लग ही जाएंगे, डिग्री लेके लौटेगा। बताओ पेपर कैसे हुए? अच्छे हुए पिताजी। पास हो जाने दो मेरे बेटे को, सारे मोहल्ले को मिठाई खिलाओ। जरूर जरूर, अब तांगे वाले को पैसे तो दे दो। मेरे पास है, आप लोग अंदर चलिए पिताजी, मैं देख के अभी आता हूँ। अच्छा चलिए चलिए, अरे सामान जल्दी से अंदर लाओ। आया हाय मोहिनी, आओ यहाँ आओ। हेलो। हेलो, ये ताला किसने लगाया है? जिसने लगा है उससे पूछो। किसने लगाया है? तुम्हारी माँ ने। माँ ने? पर क्यों? तुम ही जाकर पूछो ना। ये क्या बात है, क्या है सब? तुम तांगे से क्यों आए? रवि ने अपनी गाड़ी से नहीं छोड़ा तुम्हें? रवि हमारे साथ लौट कर नहीं आया है। क्यों, उनके इम्तिहान खत्म नहीं हुए क्या? इम्तिहान तो खत्म हो गए, पर परसों रवि अमेरिका चला गया। अमेरिका चले क्यों? आगे पढ़ाई करने के लिए। वो हमेशा ही इंजीनियरिंग की बड़ी डिग्री लेने के लिए अमेरिका जाना चाहते थे। नहीं, वो अमेरिका नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने मुझसे कहा था मैं इम्तिहान खत्म होते ही लौट आऊंगा। उसने झूठ बोल दिया होगा। क्या? तो मैं बहलाने के लिए। तुमने देखा उन्हें जाते? हाँ, उसका हवाई जहाज मेरे सामने उड़ा था एरोड्रोम पर। उसने मुझे ये चिट्ठी दी थी तुम्हारे लिए। लो लो, इसका मतलब है रवि जल्दी नहीं लौटेंगे। हाँ, कम से कम 3 साल तो नहीं लौटेगा। 3 साल, 3 साल। ओ माँ, एक ही क्वेश्चन सुई। कहनो माँ, के होलो माँ? यहाँ खड़ा क्या बात कर रहा है इस बदजात से? देखता नहीं इतना बड़ा ताला पड़ा हुआ है? आगे कुछ बताओगी भी? चल अंदर चल, बताती हूँ। बात क्या है, कुछ समझ में तो नहीं आती। तो रवि ने मेरे साथ धोखा किया। Thank you.
सुना है मेहरा साहब रवि को लेकर अमेरिका चले गए। अमेरिका क्यों? कुछ पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता अचानक कैसे कैसे चले गए। पोस्टमैन। किसकी चिट्ठी बेटा? काफी कहाँ है? मुझे कब काफी मिलेगी? ला रही हूँ, पानी गर्म करने रखा। कहाँ जा रही है? कहीं नहीं, बाजार, कॉफी खत्म हो गई। मोहनी, तुझसे कितनी बार कहा कि ऐसी हालत में तेरा बाहर जाना मुनासिब नहीं। जिस गली से गुजरती है लोग फप्तियां कसते हैं, कॉफी लेने बाहर जाएगी। घर में चाय है ना, एक कप चाय बना दो। आपने शाम को हमेशा कॉफी पी है पिताजी, आज भी आप कॉफी ही पियेंगे। कॉफी दीजिए नेस कैफे। जी कॉफी वहां मिलेगी, नेस कैफे का एक टिन दे देना इन्हें। कॉफी है जी? कॉफी जी। लीजिए। आऊंगी अपने बच्चे के लिए दूध की ये शीशी लेने भी आऊंगी, और आप ही की दुकान से ले जाऊंगी। लेकिन इसके लिए कुछ महीनों का आपको इंतजार करना होगा। आज तो सिर्फ मुझे अपने पिताजी के लिए कॉफी चाहिए। है आपकी दुकान में कॉफी? गेट अवे, गेट अवे, बदतमीज, पीछे हट। क्या लड़की है,
अरे तुम ऐसे गंभीर क्यों बैठे हो? कुछ नहीं। देखो तुम अपने मुकदमे की चिंता कचहरी में किया करो, घर में नहीं। मुकदमे के बारे में नहीं, मैं बिपिन के बारे में सोच रहा हूँ। बिपिन के बारे में अब और क्या चिंता हो गई है तुम्हें? चार दिन नहीं हुए डॉक्टरी पास किए कि देखो उसकी प्रैक्टिस चल निकली। आज बजने आए हैं, अभी तक डिस्पेंसरी से नहीं लौटा। मरीजों का तांता लगा रहता है उसके दवाखाने में। खाना लगाऊं? बिपिन को आ जाने दो। ये लो, आ गया बिपिन। क्या बात है माँ? पूछ इनसे, कह रहे हैं मुझे बिपिन की चिंता है। मैं खाना लगाती हूँ। क्या बात है बाबा? बिपिन, बहुत दिनों से मैं एक बात मेरे दिमाग में घूम रही है। क्या बात बाबा? ये मोहिनी इतनी अच्छी बाप की बेटी, उसकी माँ भी कितनी भली थी, लड़की पढ़ी लिखी है, फिर उसने ऐसा गलत कदम कैसे उठाया, अपने आप अपने पांव पर कुल्हाड़ी कैसे मार दी उसने, वो बच्चे के बाप का नाम भी तो नहीं बताती किसी से। तुम जानते हो किसका बच्चा लिए हुए है वो? बिपिन, तुम्हारा तो नहीं? नहीं बाबा। कसम खाते हो? आपकी कसम बाबा। ओ बिपिन, तुमने आज मेरे सर का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया बेटा। लक्ष्मी, ए लक्ष्मी। जी बीबी जी। अरे तू क्या कर रही है? ये कपड़े सूखने डाल रही हूँ बीबी जी। बोलिए। ला कपड़े मुझे दे, मैं सुखा देती हूँ। तू जा जरा चौका साफ कर दे। अच्छा बीबी जी। हेलो मोहिनी। हेलो। ऐसी हालत में तुम्हें इतना काम नहीं करना चाहिए। एक बात कहो मोहिनी। क्या? तुम उससे शादी कर लो। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए विपिन। मेरी सुनो मोहिनी, मुझसे शादी कर लो, मैं दुनिया का मुंह बंद कर दूंगा, तुम्हें मैं फूल की तरह रखूंगा, बच्चे को बाप मिल जाएगा, तुम्हें मेरा प्रेम और मुझे तुम। और मुझे विश्वास है मोहिनी, धीरे धीरे तुम भी मुझसे प्रेम करने लग जाओगे। प्रेम सिर्फ एक ही बार किया जाता है बिपिन, और मैंने प्रेम करके देख लिया। तो क्या मैं ये समझूं कि तुम रवि को अभी तक भूली नहीं? मैं रवि को कभी नहीं भुला सकूंगी। यानी रवि से तुम अब भी प्रेम करती हो? रवि से मुझे नफरत है। ऐसा तुम समझती हो? अरे फिर तू वहां पहुंच गया। कितनी बार कहा तुझसे कि इस उल्टा की छाया से भी दूर रहा कर। अरे कलमुई, अपने पड़ोसियों पर तो दया कर, डायन भी साथ घर छोड़ देती है। शहर के सारे लड़के मर गए हैं क्या जो मेरे लड़के से आंखें लड़ा रही है? ये क्या हो गया माँ, ये क्या कहती रहती हो? चल भीतर चल। तुम्हें चलो, अमी आशी भीतर चल। क्या हो गया है बाबा, चलो चल। चलो बाबा चल। वकील साहब,
क्या बात है प्रोफेसर साहब? वकील साहब, आप पहनी को मेरे घर भेज दीजिए। मोहिनी की हालत बहुत खराब है, दर्द से छटपटा रही है। छटपटा रही है तो मैं क्या करूं? उसे अस्पताल ले जाओ ना। ऐसी हालत में कैसे उसे अस्पताल ले जाओ? नहीं ले जाते तो अपने डॉक्टर को बुलाओ। मैं डॉक्टर दीक्षित का घर गया, वो चैन में नहीं है, जरूरी काम से बम्बई गए हुए। मैं ताई के घर गया, वो ताई भाई से बीमार पड़ी है। घर की नौकरानियों से उसने कभी बच्चा नहीं जाना, वो कुछ नहीं जानती बहन जी, वो कुछ नहीं जानती। तो मैं क्या करूं? दया करो बहन जी, चली चलो। चली चलो, हराम का बच्चा जलाने चलो। मैं ऐसा न करो बहन जी, अगर तुम न चलोगी तो मेरी बेटी दर्द से तड़प तड़प कर मर जाएगी। मर जाने दो माया, ऐसी कनवई का तो मर जाना ही अच्छा है। बहन जी, मेरी तड़पती हुई बेटी पर तरस खाओ, मेरे बुढ़ापे पर रहम करो। अरे भगवान ने तुम्हें भी संतान दी है, मेरी एक लौती बेटी को मौत के मुंह से बचा लो। बहन जी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पाँव पर तहूँ, बचा लो। पाँव तो क्या, तुम 10 बार जमीन पर नाक भी रखो तो भी नहीं आने। खैरिये चाचा जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं चलता हूँ आपके साथ। क्या कहा? खबरदार, जो उनके घर गया। क्यों न जाऊँ? ये कहा कि इंसानियत है कि एक इंसान मौत से लड़ रहा हो और दूसरा इंसान दूर खड़ा तमाशा देखता रहे। मगर वो लोग हमारे लिए अछूत है, समाज पर कलंक है। माँ, मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर के लिए कोई अछूत नहीं, पापी नहीं, कलंकी नहीं। हर बीमार का इलाज करना डॉक्टर का एक कर्तव्य है और इस कर्तव्य के निभाने की मैंने कसम खाई है। खबरदार, खबरदार, तो उनके घर गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसा मत कहो माँ, ऐसा मत कहो। माँ के पवित्र नाम पर कीचड़ मत उछालो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बिपिन, बिपिन, मेरा कहा नहीं मानेगा, मैं तेरी माँ हूँ। माँ के पवित्र नाम पर कीचड़ मत उछालो माँ। जिस नारी के हृदय में दया ममता और माया नहीं, वो नारी माँ कहलाने लायक नहीं। और सचाह तो तुम्हें माँ कह रही, मुझे शर्म आ रही है। चलिए चाचा जी। तुम्हारे पिताजी निराश होकर लौट आए, आज उन्हें शहर में कोई डॉक्टर नहीं मिला है। तो मुझे मर जाने दो, मर जाने दो। मोहिनी, मैं डॉक्टर हूँ। लक्ष्मी, जल्दी से स्टोव जला, पानी गर्म करने रख दे। हाँ, जल्दी। डॉक्टर, क्या हो गया है? अपनी माँ को भी कुछ नहीं समझता। विपिन ठीक ही कहता था, नारी के हृदय में माया ममता और दया ना हो वो माँ कहलाने के लायक। बस बस, लो सुनो, वो बेचारी मारे दर्द के तड़प रही है और तुम अपने पाप उनका पचा लेकर बैठ गई हो। मैं कहता हूँ, इंसान की जान बचाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। मैं तुम्हारी ये ज्ञान की बातें नहीं समझती, सब कुछ ठीक है, पर बच्चे के बाप के नाम का तो पता होना चाहिए। नहीं तो, नहीं तो क्या? ये तो उस लड़की की शराफत है, तो सारा दोष अपने सर पर ले लिया है उसने। मैं कहता हूँ, मोहिनी गंगा जल की तरह पवित्र है। पापी तो वो है जो दूर बैठा हुआ सब तमाशा देख रहा है और सामने आकर नहीं कहता कि होने वाले बच्चे का बाप मैं। मेरी सुनो माया, मोहिनी की जान खतरे में है और इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है। कहीं से कुछ हो गया तो उसके साथ ही भगवान की बनाई हुई वो प्रतिमा जो उसके पेट में खेल रही है चूर चूर हो जाएगी और इस पाप की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर रहेगी। लक्ष्मी, मोहिनी, मोहिनी। मोहिनी, मोहिनी,
ऐसा मत कर बेटी, मैं आ गई हूँ, आ गई हूँ। मौसी, आ मौसी, आ आ मौसी, बेटी, मौसी, बेटी, आ लड़का है। मुनि, मुनि, लड़का हुआ है, लड़का हुआ, लड़का हुआ है। सुना राधा, अरे तुमने सुना, आज तुम्हारे घर नाते हुआ है। मैं नाना बन गया। पेट फूल गया, पेट फूल गया, पेट फूल गया कह रहे थे। देख ऐसे सेका कर गरम गरम हाथ से, फिर देखती हूँ कैसे पेट फूलता है ना? ला, थोड़ा सा तेल और दे, इधर ला। वो तो सब ठीक है बहन जी, पर बच्चे के बाप का नाम तो पता होना चाहिए, नहीं तो। नहीं तो क्या, ये तो लड़की की शराफत है जो सारा दोष अपने सर ले लिया है। ये बात ठीक कही बहन जी आपने। अरे बहन जी, सोना है मोहनी सोना। यार ये मोहनी लड़की कमाल की निकली और हम इस बेचारी को बुरा समझते थे। इस शहर की नाक है मोहिनी नाक। मुन्ना भी तब आएगा। हाँ हाँ हाँ, ले जल्दी जल्दी पानी डाल, ठंड लग जाएगी बच्चे को। अरे अरे आंखों में साबुन जाएगा। इधर इधर डाल डाल। हाँ बलो बलो चलो, हाँ चलो, उधर 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 उधर। ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा है, गुड। आपको तो दो घर छोड़ने थे, तीन छोड़ दिए। अरे अब मैं क्या करूं? लाइए लीजिए। सी ए टी कैट, सी ए टी कैट, सी ए टी कैट। ठीक है? हाँ ठीक है। अब रैट लिखिए, आर ए टी रैट। ये सब कहाँ सीखा मोहिनी तुमने? किताबों में। किताबों में सब कुछ रहता है? हाँ सब रहता है। मोहिनी! क्या मौसी? वक्त हो गया है, इसे ओल्टीन पिला दे। जरा ठहरी ना मौसी, मैं क्लास ले रही हूँ। अरे जाना, क्लास मैं ले लेती हूँ। सुनो तुम सब लोग, अपना अपना काम ठीक तरह करना, नहीं तो एक एक की खबर लूंगी। अरे मिसेस खन्ना क्या ला रही है? आइए आइए आइए। नमस्ते जी, नमस्ते। रखो। अरे ये क्या मिसेस खन्ना? वो कलकत्ते से लौटे हैं और अजय के लिए मोटरकार लाए हैं। अरे ये क्या मिसेस खन्ना, इतनी कीमती गाड़ी आप बच्चे के लिए ले आए? तो क्या, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? ओ क्या, अपने बेटे के लिए मैं इतना भी नहीं कर सकती? अच्छा अच्छा, लाई है तो रहने दो। आओ बेटे, आओ बेटे। कितनी बढ़िया गाड़ी है। राजा बेटे बैठेगा। चलो चलो। अच्छा ये सब बांध दीजिए।
क्या नाम है तुम्हारा? अजय। चॉकलेट खाओगे? लो। थैंक यू। एक टिन बीन्स का दीजिए। बीन्स? सेल्स बीन्स। अरे ये चॉकलेट कहाँ से उठा लाया? इतना छोटा सा है और ये चॉकलेट किसी से बगैर पूछे क्यों उठाया? बहन जी, बहन जी, ये कैसे उठा सकता है? इसका तो हाथ भी नहीं पहुंच सकता काउंटर पर। किसने दी चॉकलेट बता? कमला, कमला, अरे यहाँ तुम रवि के कमरे में क्या कर रही हो? देखो देखो रवि के बचपन की तस्वीर देखो, बिल्कुल मोहिनी के बच्चे से मिलती है। आज मैंने मोहिनी के बच्चे को देखा। मोहिनी सच कहती थी, उसका बच्चा हमारे रवि से ही है। ठहर तो हुआ करे, मैं कह देता हूँ तुम इस मामले में मत पड़ो। कुछ ही दिनों में रवि आने वाला है, आते ही उसकी शादी पुष्पा मल्होत्रा से कर देंगे। चलो। थैंक यू मिस फर्नांडिस। हाय, विशिंग यू बोथ अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज गो डाउन। कभी हो सकता है जूली कि मैं तेरी शादी की पार्टी में ना हूं? भगवान तुम दोनों की जोड़ी सदा सलामत रखे। जिमी भाई, शाम को चर्च में अपने शादी के अवसर पर भगवान के सामने तुमने जरूर कसम खाई होगी, बस वो कसम निभा देना। आदमी जब औरत का हाथ छोड़ देता है तो औरत की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसका हाथ कभी न छोड़ना। नहीं छोड़ूंगा मोहिनी, ये हाथ अब कभी नहीं छोड़ूंगा। बैठे जिमी, बैठे, बैठे। अच्छा, अब अपना वादा पूरा कर। आने का वादा था तो पूरा कर दिया। आने का तो था ही, गाने का भी था। तुम बोला था ना मेरी शादी में गाने गाएंगे। आई नो, आई नो। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। मिलन की रात है, मैं अपना प्यार नजर करूं, जो तुम कहो तो सारी बहार नजर करूं। मिलन की रात है, मैं अपना प्यार नजर करूं,
पुष्पा, रात के 12:30 बज रहे हैं, ये वक्त है घर लौट कर आने का। वो पार्टी में जरा देर हो गई भैया। जब देखो पार्टी, अब जरा संभल कर रही मैम साहब, परसों रवि लौट कर आ रहा है अमेरिका से। सच? आओ, गाड़ी में बैठेंगे? हाँ, आ जाओ, बैठो, गाड़ी स्टार्ट करो। मोहिनी, जरा सुनो, क्या है बिपिन? एक खबर सुनाओ। क्या? मुझे अभी अभी पता चला है कि रवि अमेरिका से लौटकर बंबई पहुंच गया है और वो कल मेल से यहाँ आ रहा है। तो मैं क्या करूं, उसे लेने स्टेशन जाऊं, बैंड बाजा लेकर? बिपिन, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहो। यहाँ नहीं, अभी तुम थके हुए हो, कल शाम को मैं तुम्हारे घर आऊंगा। अच्छी बात है, चलो। और सुना मंजू, तू अच्छी तो रही? हाँ भैया। अच्छा ये तो बता, मैंने मोहिनी को इतनी चिट्ठियां लिखी, उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। मोहिनी यही तो है ना, तुम मिलती हो उससे कभी? किसका नाम लिया रवि तुमने, ये किसका जिक्र हो रहा है? कुछ नहीं पिताजी, मंजू की एक सहेली है मोहिनी। मोहिनी? कौन मोहिनी? प्रोफेसर सक्सेना की छोकरी? जी। बड़ी गुलचनी निकली वो छोकरी, बाप के खानदान पर धब्बा लगा दिया, सारे शहर की नाक काट दी। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? सच कहता हूँ, न शादी ना ब्याह, एक हरामी बच्चे की मां बन बैठी। ये आप किसी और मोहिनी के बारे में कह रहे हैं पिताजी? नहीं नहीं, मैं उसी मोहिनी के बारे में कह रहा हूँ जो तुम्हारे दोस्त है बिपिन की पड़ोसन थी। लेकिन ये कैसे हुआ, कब हुआ, कितना बड़ा है बच्चा? यही कोई 6 महीने का। 6 महीने का और बच्चे के बाप का पता नहीं? किसका बच्चा है? सारा शहर जानता है कि किसका बच्चा है। किसका? बिपिन का, जो अब डॉक्टर बना हुआ है। तो बिपिन उसे शादी क्यों नहीं कर लेता? एक नाजायज बच्चे को जन्म देने वाली मां से कौन शरीफ आदमी शादी करेगा? बिपिन मेरा दोस्त, बगला भगत। खैर छोड़ो बेटा इन बातों को, जाओ ऊपर अपने कमरे में नहा धोकर आराम करो। रवि का कमरा ठीक कर दिया है ना? जी। चाय भी ऊपर ही भिजवा दो। तुमने ऐसा क्यों क्या मोहिनी? नहीं 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 नहीं, thank you.
डॉक्टर बाबू मिलने आए हैं आपसे। कौन डॉक्टर बाबू? वो आपके दोस्त बिपिन बोस। उनसे कहना कि हम घर पर नहीं हैं। जी मैंने उनसे कह दिया है कि आप घर पर ही हैं। तो फिर उनसे जाकर कह दो कि मैं उनकी सूरत नहीं देखना चाहता। जाओ, खड़े क्यों हो? जी अच्छा। डॉक्टर साहब, साहब कहते हैं कि सुन लिया है मैंने, सब कुछ सुन लिया है। और तुम भी अपने रवि साहब से जाके कह दो कि अगर वो मेरी सूरत देखना नहीं चाहते तो मैं भी उनका मुंह देखना नहीं चाहता और मैं कभी नहीं आऊंगा। साहब चाय बना दो? नहीं चाहिए, ले जाओ इसे। अरे वाह, हमें देखकर चाय वापस कर दे। अरे तुम ट्रे लेकर कहाँ जा रहे? ट्रे तो इधर रख दे और कप ले आ जाकर। लीजिए हुजूर, लीजिए। हम भी पीएंगे चाय। हेलो, आप लोग बैठिए ना। आइए बहन जी, आइए। आओ मल्होत्रा। नमस्ते। कैसा है? बैठिए। काम ठीक चल रहा है। चाय और ले आना। जी अच्छा। आप सर राम प्रसाद जी हुजूर, मिठाई जी। हमारा रवि आया और आप चली गई। बैठो यहाँ। हाँ हाँ बैठो, बैठो ना। चाय बनाओ तुम्हारे लिए। नहीं पुष्पा, तुम पियो। मैं चलूं, मैं जरा बाहर होकर आता हूँ। ये क्या रवि, हम लोग आए और तुम चल दिए? मुझे किसी से बहुत जरूरी काम है। आप लोग बैठिए ना, माँ तो हैं। रवि कहाँ बाजार की तरफ जा रहे हो? नहीं। तो फिर? हाँ बाजार की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं भी चलती हूँ साथ, मुझे कुछ लेना है जनरल स्टोर से। लेकिन पुष्पा मैं जनरल स्टोर नहीं जा रहा हूँ। सुनो तो, ले चलो ना, मैं भी चलती हूँ। मुझे बहुत जल्दी है पुष्पा, किसी के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है। तो क्या हुआ, मैं गाड़ी में बैठी रहूंगी, लगते में चले चलेंगे जनरल स्टोर। रवि मेरा साहब, आज हम लोग आपसे खास बात करने आए। हाँ हाँ कहिए, क्या बात है? कहिए मेरे घर पर, जरा गाड़ी रख लेना। क्यों? मुझे एक बहुत जरूरी काम है। मगर पुष्पा मुझे बहुत जरूरी है। ओ प्लीज रवि, ओनली टू मिनट। ओके ओके ओके। एट योर सर्विस। पुष्पा ये चाबी लेकर कहाँ चली गई थी? तुम भाग जो जाते। ओ तो ये ड्रेस चेंज करने की क्या जरूरत थी? मुझे किसी से मिलना है। किससे? चलो बताती हूँ। पुश पुश पुश। चाबी दो पुष्पा। अरे चाबी दे दो प्लीज पुष्पा, चाबी दे दो प्लीज। दो ना। कम एंड टेक इट। हे कहाँ चला, कहाँ चला रे, कहाँ चला रे, कहाँ तेरा कौन तेरी राहत तेरे, हमको इतना बता जा। I'm not.
बात है रवि? मोहिनी, मोहिनी, कहिए। मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ और तुम चली जा रही हो। आप मुझसे कह रहे हैं? और नहीं तो क्या मैं हवा से बातें कर रहा हूँ? ऐसे देख रही हो जैसे मुझे पहचानती नहीं। सूरत तो कहीं देखी हुई जान पड़ती है। मैं नहीं जानता था कि इंसान इतना बदल सकता है। देख रही हूँ इंसान कितना बदल सकता है। भगवान को साक्षी रख के जो कसमें खाई थी इतनी जल्दी भुला दी। किसने? तुमने और किसने? मेरे लौटने का इंतजार क्यों नहीं किया तुमने? इंतजार तो मैं जन जन्मांतर तक कर सकती थी रवि, पर शिकायत तो ये है कि तुमने मेरी कोमल भावनाओं के साथ खेलकर मेरे दिल की उमंगों को अपने पैरों तले कुचल कुचल डाला। तुमने मेरे सच्चे प्रेम की कदर नहीं की। तुमने मेरे साथ वो सलूक किया है जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करेगा। हाय हाय सती सावित्री, मेरे जाने की देर नहीं कि तुमने औरों से आंखें लड़ानी शुरू कर दी। बको मत। तुमने मेरी चिट्ठियों का जवाब क्यों नहीं दिया? तुमने इम्तिहान खत्म होते ही लौटने का वादा किया था, तुम क्यों नहीं लौटे? अमेरिका भाग गए चुपचाप। चुपचाप क्यों? मैंने बिपिन के हाथ तुम्हें चिट्ठी जो भेजी थी। चिट्ठी भेजी थी, तुम खुद क्यों नहीं मिलने आए? मैं तुम्हें रोक तो नहीं लेती। मैं लाचार था, तुमसे मिलने के लिए मेरे पास वक्त नहीं था। मुझसे मिलने के लिए तुम्हारे पास दो मिनट का वक्त नहीं था, फिर भी तुमने चाहा कि मैं तुम्हारे लिए 3 साल तक इंतजार करूं। देखने में कितनी भोली भाली लगती थी तुम, लेकिन कितनी छिटी हुई निकली। प्रेम का नाटक जब मेरे साथ खेल चुकी थी तो मेरे ही दोस्त के पास जाकर अपना मुंह काला करने की क्या जरूरत थी? क्या मतलब? मुझे सारी बातों का पता चल गया मोहिनी। मैं जान गया कि तुम सदा से बिपिन के साथ उलझी हुई थी। मैं अंधा था जो तुम्हें पहले नहीं पहचान पाया। अगर तुम्हें बिपिन से ही प्रेम था तो मुझे क्यों फंसा? मेरे पैसे के लिए बिपिन से क्यों नहीं शादी कर ली? ऐसी क्या आग लगी थी जो बिना शादी के उसका बच्चा जनकर रख दिया? रवि! और वो भी धोखेबाज तुम्हें बच्चा देके छिटक कर दूर भाग खड़ा हुआ है। समाज के सामने आकर क्यों नहीं कहता कि बच्चा उसका है? बतलाने वालों ने तो तुम्हें सारी बातें सच सच बतला दी। सच छिपाए नहीं छिपता मोहिनी, वो बाहर आकर ही रहता है। हाँ रवि, सच छिपाए नहीं छिप सकता, वो बाहर आकर ही रहेगा। तो फिर तुम्हारा वो डॉक्टर यार मुंह क्यों छिपाता फिरता है? तुमसे शादी क्यों नहीं कर लेता? सब तुम्हारी तरह बहादुर नहीं होते रवि। मोहिनी, जाओ, तुम्हारी वो मेम साहब तुम्हारे लिए उतावली हो रही है। जाओ, छोड़ मेरी साइकिल। देखिए ना कितना परेशान नजर आता है। अरे काहे की परेशानी परेशानी, वो हमारी बात से नहीं इनकार करेगा। वो देखो आ गया। आओ बेटा आओ। आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कैसी बात? मल्होत्रा जी और उनकी पत्नी शाम को तुम्हारे देखते पुष्पा को लेकर यहाँ आए थे। क्यों क्यों आए थे? उन लोगों की इच्छा है और हमारी भी कि पुष्पा के साथ तुम्हारी शादी तय कर दी जाए। शादी? किसकी शादी? किसकी शादी? तुम्हारी और किसकी? पुष्पा के साथ अच्छी लड़की है और इस घर के लायक भी। क्यों, ठीक है ना? पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। God.
नो 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 बंबई से मेरे लिए क्या लाओगे? मैं हरे कांच की चूड़ियां लाऊंगा। हरे कांच की चूड़ियों का मतलब भी समझते हो? बेटा रवि, मामा, मामा, मामा। बेटा रवि, तू जब से लौट कर आया है बड़ा परेशान रहता है। अभी शादी की बात सुनकर तो ऐसा गुमसुम क्यों हो गया? अगर तुझे पुष्पा से शादी नहीं करनी तो कह दे बेटा, मैं तेरा दिल नहीं दुखाऊंगी। क्या कोई और लड़की है? और कोई लड़की नहीं है मां, और कोई लड़की नहीं है। तुम मेरी शादी पुष्पा से करना चाहती हो ना? उनकी तो यही इच्छा है। फिर ऐसा ही होगा मां, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। उसने तुम्हारे साथ प्रेम का नाटक किया, तुम्हें बच्चा दिया और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। और शादी पुष्पा के साथ मैं शादी कभी नहीं होने दूंगा। या तो मैं उसकी जान ले लूंगा या अपनी जान दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम बीच में मत पड़ो। तुम्हें मेरी कसम, मेरे बच्चे की कसम, ये शादी होने दो, होने दो ये शादी। धूमधाम है यार, बरसों के बाद ऐसी बारात देखी हमने। सुनो सुनो, बारात इस गली से ले चलो, चलो आगे बढ़ो, चलो। ये क्या मेरा साहब, आप सीधा चलिए ना। आप बाजार छोड़कर ये बारात गली से क्यों ले जा रहे हैं? आज मुझे किसी की छाती पर मूंग दलनी है। लो पान लो। ये क्या बारात है क्या किसी की? हाँ माँ, मेहरा के यहाँ की बारात है। रवि की शादी हो रही है पुष्पा मल्होत्रा के साथ। मोहिनी का बच्चा, मोहिनी का बच्चा, मोहिनी का बच्चा,
मोहिनी का बच्चा इतना बड़ा क्यों पिताजी? आप तो कहते थे कि मोहिनी के बच्चे 6 महीने का है। मैंने कुछ ऐसे सुना था, मुझे क्या पता होगा किसी का। नहीं पिताजी, इसकी शक्ल कह रही है कि मोहिनी का बच्चा है। क्यों माँ, तुम भी खामोश रही? रवि छोड़ दो इसे, इसे कुछ नहीं हुआ। हटिए पिताजी। रवि छोड़ो इसे, रवि। कहीं चोट तो नहीं आई? कहीं चोट कुछ नहीं हुआ मोहिनी, कुछ नहीं हुआ। मैंने घोड़े की लगाम खींच ली थी, मैं नहीं समझता बच्चे को कहीं चोट आई। ओ रवि, तुमने जो चाह सो किया, मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका। तुम बड़ी बड़ी डिग्रियों के चक्कर में अमेरिका चले गए, मैं चुप रही। तुमने मुझे दिए हुए वादे भुला दिए, मैं अपने आंसू पी गई। तुमने बड़े घर की लड़की से शादी रचाई, मैं चुप रही। उसे प्यारे के लिए मेरे आंगन पर से बारात निकाली, अपने चाहते पर बत्तू रख कर मैंने अपने आंसू रोक लिए। पर वो बारात मेरे ही आंगन पर से निकालेंगे, तुम्हें क्या जरूरत थी? कहो मोहिनी कहो, आज तुम मुझे जो कुछ भी कहोगी, जो कुछ भी सुनाओगी, मैं सुन लूंगा। क्योंकि तुमने मुझे सच्चे दिल से प्यार किया है, और तुम्हारे प्रेम की कसौटी पर तुम्हारी नजरों में मैं झूठा और धोखेबाज दिखाई दे रहा हूँ। पर विश्वास करो मोहिनी, मेरा प्रेम उतना ही सच्चा है जितना तुम्हारा। मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे बहकाया गया है, किस्मत ने हम दोनों के साथ छल किया है। अगर मुझे जरा सा भी इशारा मिल जाता कि तुम्हारी गोद में मेरा बच्चा खेल रहा है, तो तुम्हारी कसम मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर फौरन चला आता, और अपने माँ बाप की या समाज की रत्ती भर भी परवाह न करते हुए सारे शहर के सामने डंकी की चोट पर कहता, देखो ये बच्चा मेरा है, और ये जो सामने खड़ी है मेरे बच्चे की माँ है। रवि चलो चलो, रवि बच्चा ठीक हो गया, जल्दी करो बारात को लगन मंडप पहुंचना। बारात तो लगन मंडप पहुंच चुके पिताजी। क्या कह रहे हो? ठीक तो कह रहा है बेटा। ए बाजे वालों, चुप क्यों खड़े हो, बाजा बजाओ। हाँ हाँ बाजा बजाओ जी, अभी तो फेरे पड़ेंगे इस आंगन में। अरे बैंड वालों, देख देख क्या हो, तुतड़िया बजाओ। देख क्या रहे हो, समझे सामने खड़े हैं, जाओ गले मिलो। हाँ हाँ मेहरा साहब, आगे बढ़िए, जाओ ना, जाओ भी। किशनलाल अमरचंद,